अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राना मोहम्मद अवेज़ फ्रॉम ऑटोमेशन प्ले। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि S7 1200 PLC को हम लोग किस तरह से ऑनलाइन लेते हैं और प्रोग्राम करते हैं। सारे ट्यूटोरियल्स automationplay.com पे अवेलेबल हैं और यूट्यूब चैनल जो मेरे नाम से हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ S7 1200 PLC, जो कि CPU है मेरा, CPU 1211C। DC का मतलब है कि DC इनपुट्स, DC पावर सप्लाई एंड DC आउटपुट्स, और ये PLC के स्टेटस इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पर 24 वोल्ट DC सप्लाई मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ईथरनेट प्रोग्रामिंग केबल जो प्रोफिनेट लैन इंटरफेस वो इसके अंदर है। ये 6 डिजिटल इनपुट्स, 2 डिजिटल आउटपुट्स हैं और 2 एनालॉग इनपुट्स भी हैं इसमें। और ये सारी इसकी स्पेक्स हैं। TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास जो वर्जन है वो है वर्जन 14, और डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल है। मैं इसको लैडर लैंग्वेज पे प्रोग्राम करूँगा। तो इसको देख लेते हैं कि मेरे पास ये तरीका है इसको ऑनलाइन लेने के लिए। मेरे पास PLC है जिसके लिए मैं ईथरनेट केबल नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं RJ45 कनेक्टर्स के साथ वो यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे पास लैपटॉप है और PC है। आपके पास लैपटॉप है, PC है, उसके अंदर मैंने ये TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है जिसके ज़रिए मैं इसको प्रोग्राम कर सकता हूँ। तो इसको देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये PLC ट्रेनर बोर्ड है S7 1200 का, और इस पर मेरे पास ये 1200 का PLC लगा हुआ है। ये मेरे पास 24 वोल्ट पॉजिटिव और 0 वोल्ट की लाइन्स आ रही हैं, जिससे मैंने यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव इसको L+M पे सप्लाई दे दी। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो L+M पे 24 वोल्ट 0 वोल्ट की सप्लाई मैंने यहाँ पे दे दी है इसको। अभी मैंने इनपुट्स आउटपुट्स अटैच नहीं किया, वो मैं अगली वीडियोस में आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो मेरे पास ये PLC है, ये ईथरनेट की केबल यहाँ पर लगी हुई है, और इसको मैंने यहाँ पर अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट किया। मैं इसको आपको नेटवर्क शेयरिंग कनेक्शन में दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास एडेप्टर है जी, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास कनेक्टेड है और यहाँ पे ये लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो गई हैं। तो अगर मैं आपको इसको दिखा सकूँ, यहाँ पर मैं जाऊँगा IPv4 के अंदर, और यहाँ पर मैंने ये IP दी हुई है। तो जो मेरे पास सीमेंस PLC उसकी IP होती है 192.168.0.1। मैंने यहाँ पे 101 आगे की IP दे दी है, और सबनेट मास्क जो है वो PLC का भी यही है, और मेरे पास डिवाइस का भी यही होना चाहिए। तो PLC के जो शुरू के 3 ऑप्शंस हैं ये मेरे पास सेम होने चाहिए, जो कि मैं PLC यूज़ कर रहा हूँ, और सबनेट मास्क सेम होना चाहिए। तो मैंने इसमें IP यूज़ की हुई है। इसी तरह एक और सेटिंग जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल पैनल में ये PG इंटरफेस होता है, PGPC इंटरफेस। वो मेरे पास यहाँ पर इंटेल आर जो मेरा नेटवर्क कार्ड है जिस पर मैंने ईथरनेट की केबल लगाई हुई है, और उस पर TCP/IP मेरे पास हुआ हुआ है। जब हम लोग इसको PLC सिम पे ऑपरेट करते हैं तो उस वक्त हम लोग ये जो PLC सिम के ऑप्शन है ये यूज़ करता है। तो इसके अंदर डायग्नोस्टिक में जाके अगर ये कभी प्रॉब्लम करता है तो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये S7 ऑनलाइन अभी बता रहा है, बाकी सेटिंग शेयर है मेरे पास। तो अब इसको हम लोग ऑनलाइन लेते हैं। मैं TIA पोर्टल ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास TIA पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ से मैं ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक से मैं चेक भी कर सकता हूँ कि मेरा PLC डिटेक्ट वो कर रहा है नहीं कर रहा है। मेरे पास इस लैन कार्ड और एडाप्टर भी मेरे पास कनेक्टेड है PLC। तो मैं इसको सर्च करूँगा, और मेरे पास ये जो PLC कनेक्टेड है वो ये बता रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये IP शो कर रहा है 192.168.0.1, और इसमें मैं हमारे पास ये IP मेरे PLC की है और ये मेरे कंप्यूटर की है। तो इसने डिटेक्ट कर लिया। मैं जाऊंगा न्यू प्रोग्राम में, स्टार्ट क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, कॉन्फ़िगर डिवाइस में जाके मैं ऐड न्यू डिवाइस में जाऊंगा। मेरे पास S7 1200 PLC है, CPU मेरे पास 1211C, DC, और मेरे पास ये उसका आर्टिकल नंबर है। तो
थ्री डिफरेंट आर्टिकल नंबर शो कर रहा है, मेरे पास ये आर्टिकल नंबर है, उसके ये स्पेक्स हैं, मैं इसको ऐड कर लूँगा। मेरे पास यहाँ पे पीएलसी ओपन हो गया है, डिवाइस व्यू के अंदर मेरे पास सीपीयू दिखा रहा है। तो ये इसके अंदर प्रोग्राम ब्लॉक्स हैं, मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक जिसमें मैं अपना प्रोग्राम करूँगा, डिफरेंट ब्लॉक्स प्रोग्राम के हिसाब से मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मेरा प्रोग्राम बड़ा है, बड़े लेवल पे मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ऑटोमेशन कर रहा हूँ, टैग्स मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। तो ये मेरा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये मेरे पास इनपुट और आउटपुट कॉइल है, कॉन्टैक्ट्स ये है। मैं सिंपली ये करता हूँ कि पहले टैग यूज़ कर लेता हूँ, मैं पहले टैग को कह देता हूँ पुश बटन, i0.0 ऑटोमेटिकली एड्रेस आ गया है। और लैंप मैं कह देता हूँ, ये लैंप आउटपुट है, तो मैं इसको आउटपुट को क्यू कह देता हूँ, तो q0.0। तो मेरा जो इनपुट है i0.0, आउटपुट q0.0। तो i0.0 इस तरह से होता है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, मतलब आइडल कंडीशन में ये ओपन रहता है, करंट पास नहीं करता। आई से इनपुट इमेज, 0 से चैनल 0, और दूसरा 0 जो है बिट 0। इसी तरह अगर मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ले रहा हूँ, उसको भी मैं इसी तरह एड्रेसिंग दूंगा, और आउटपुट को Q0.0, Q आउटपुट इमेज है, 0 चैनल 0 और 0 बिट 0। तो आगे मॉड्यूल PLC के ऐड होता जाएगा, तो वो ये चैनल 1 हो जाएगा और बिट 0 से हमारे पास आगे तक इस तरह से जाती रहेगी। तो अब TIA पोर्टल में जाके मैंने ये टैग्स ऐड कर दिए हैं, तो टैगिंग का फ़ायदा ये होता है मैं इजीली कॉल करवा सकता हूँ। जैसे मैंने इनपुट कॉन्टैक्ट लिया, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पुश बटन इस तरह से आ जाएगा। लैडर लॉजिक में जैसे कि मैंने डिफरेंट वीडियोस में बताया है, इनपुट्स लेफ्ट पे होते हैं और आउटपुट्स राइट पे होता है। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया है, अब मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। अगेन मेरे पास ये अडॉप्टर है, इसको मैं यहाँ पे लूँगा, स्टार्ट सर्च करूँगा, मेरे पास ये PLC डिटेक्ट हो गया, मैं इसको लोड कर दूँगा। पहले मॉड्यूल रुकवा भी लेते हैं लोड। अब ये मॉड्यूल को PLC को स्टार्ट कर देगा, मैं इसको ऑनलाइन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको ऑनलाइन लूँगा, PLC को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब स्टेटस को ग्रीन शो करना शुरू कर देगा। अगर कहीं पे येलो या रेड शो करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। यहाँ से टेस्टिंग फेज़ में अगर मैं आऊँ, तो यहाँ पे PLC स्टॉप पे अगर एरर होगा, तो यहाँ पे एरर लाइट शो हो रही होगी और PLC में भी एरर लाइट शो हो जाएगी। अब मैं इसको मॉनिटरिंग पे लगा देता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि अब मैं इसको PLC से ऑपरेट करूँगा, तो मैं इसको यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। तो अब आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने PLC को यहाँ पे वायर किया हुआ है, मेरे पास ये प्रोग्राम है, पुश बटन ये रहा मेरे पास, और लैंप मैंने ये वाला यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। इसको ऑपरेट करके चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं मैं जैसे पुश बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये लैंप यहाँ पे चल रहा है, और जैसे मैं छोड़ रहा हूँ तो ये यहाँ पर हट जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास लाइट भी ऑन हो रही है, इनपुट की इंडिकेशन अभी मेरे ख्याल से i0.0 ख़राब है, तो वो ऑन नहीं हो रही, वरना यहाँ पे इनपुट की इंडिकेशन भी ऑन होती है।